निकलेगी क्या बाद में? अच्छा मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? आई होप आप सभी लोग होंगे। तो गाइस अभी तो फिलहाल 10:30 हो चुके हैं और आज मैं जाने वाला हूँ कुछ करूँगा, क्योंकि अपनी बाइक को ना कुछ काम वाम करवाना है। तो उसका आएगा वाइजर ग्लास है ना, वो टूटा हुआ है ना, तो काफ़ी टाइम से टूटा हुआ, तो सोच रहा था जाने की जाऊँगा ठीक करवाऊँगा। तो यार बारिश ने भी थोड़ा मूड ख़राब कर दिया और थोड़े दिन पहले धूप इतनी होती थी कि घर से बाहर निकलने का मन नहीं होता। तो गाइस फाइनली आज मौसम बिल्कुल बढ़िया हो रखा है, ठीक है तो आज चलते हैं। भाई अपना मैंने हेलमेट तो तैयार कर लिया, भाई देख रहे हो बहुत मुश्किल से मतलब मैंने लगाया इस पर यार, ये लग तो रहा था क्योंकि टेढ़ा हो जाता है। बाकी देखते हैं भाई कि पिछली बार मैंने व्लॉग बनाया था ना एक बाइक का, तो यार व्लॉगिंग बाइक मोटर व्लॉगिंग का, तो यार उसमें ना जो हेलमेट जो कैमरा का एंगल है वो टेढ़ा हो जा रहा था। तो एक बार उसको मैंने दोबारा देखेंगे यार अगर कैसा बनता है, अगर सही इस बार भी नहीं बनेगा तो फिर अपना एक नया हेलमेट हमें परचेज़ करना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो भाई चलते हैं फटाफट, बसंत तुम्हारा वेट कर रहा भाई। भैया अब चलते हैं बसंत के पास सीधा। चलो चलते हैं, ठीक है करोल बाग। और यार आज देख लो कितना गली में पानी भरा हुआ है यार, क्योंकि यार रात में शायद बारिश हुई है, शक्कर पूरी गली में पानी भर चुका है, ठीक है। तो यार बाइक वाइक भी बहुत ज़्यादा गंदी आती है बारिश में। वॉइस ये जो अपना वॉइस है ना, मेरे को सब मतलब बहुत टाइम से सोच रहा था उसका करवाना है करवाना, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया था, टाइम मिल चुका है। चलते करोल बाग, लेकिन भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार आप लोग, बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद पता है कि दो को नहीं मिला यार। तो भाई आज ना मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, ठीक है, धूप ना धूप थी ना बारिश थी, ठीक है। तो चलते भाई आज ही करवा लेते हैं काम अपना लाइट वाला, वो वाइजर वाला। उसके बाद गाइस हम लोग क्या कहते हैं अपना वाइजर लाइट वाला काम भी करवाएंगे, क्योंकि बाइक में भी ये जो मेरी बाइक की LED है ना वो येलो है, तो उसका वाला हम लोग वाइट करवा देंगे। और जो कूलर वगैरह और जो प्रोटेक्टर लाइट होती है उसके अंदर मैं सोचता हूँ कि रिंग लाइट लगवा दूँ, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मतलब बाइक की धूप आ जाएगी। तो सारा काम करवाएंगे मेरे बाइक का। तो पहले फटाफट पहुँचते हैं बसंत के पास, उसके फ़ोन पर फ़ोन आ जा रहे हैं बाइक पर, बाइक चला तो फ़ोन खा नहीं है उसके। तो गाइस रिएक्शन देख रहे हैं यार, आवाज़ साउंड करते मतलब छोड़ के देख लिया। तो गाइस एक बार दो रहा है मतलब यार बाइक में साउंड इतनी तेज़ आ रही है ना कि मेरी वॉइस भी शायद रिकॉर्ड नहीं हो पा रही अच्छे से। तो यार थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है, अगली बार फिर मतलब बढ़िया पूरा सेटअप करने के बाद ही भाई लोग मोटो वगैरह लोग बुलाऊँगा, ठीक है। तो गाइस यार क्या ही साउंड आ रही है यार, मतलब मज़ा आ गया भाई। गाइस RS की ना बातचीत भाई सबसे अलग है यार, मतलब KTM भी नहीं है भाई इसकी टक्कर की 200 cc में, और ना RM5 भाई, भाई RS की बात ही अलग है यार भाई, क्या साउंड आ रही थी गाड़ी में यार। मतलब यार RS की ना बात ही अलग है यार, जो RS लग रहा भाई वही जाते हैं RS की बात है भाई। फटाफट करते हैं भाई उसे पिकअप और फिर चलते हैं भाई फटाफट करोल बाग। क्या करोल बाग का मेरे को शॉप तो पता नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ढूंढनी पड़ेगी, तो सही शॉप है वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, तो देखते हैं भाई किसका बेस्ट रहेगा वहाँ पे करवाएंगे हम लोग। और आपको भी सजेशन दे दूंगा भाई यहाँ से करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो चलते हैं, तो देखते हैं भाई आगे। भाई सारी सड़कों पानी वानी बड़ा उतना पड़ा है यार भाई, पानी मैंने यार बाइक से भी थोड़ा गंदी हो जाती है यार, तो थोड़ी ध्यान से दवानी पड़ेगी भाई। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ बसंतपुर में, अभी मैंने देखा ना भाई सीढ़ी हो चुका है भाई, सीढ़ी हो चुकी है जो लीड है ना गाड़ी भाई, ये पूरी टूट चुकी है भाई, ये पूरी टूट चुकी है यहाँ से आ गया जगह देख रो। तो भाई और मैंने अभी चेक करा ना, तो यार अच्छे से मतलब हेलमेट के अंदर ना हवा बहुत ज़्यादा आ रही है और सही से आवाज़ आ रही है और सही से हो नहीं पा रहा यार, तो मैंने सोचा इसको हटाई दूँ। अब ऐसे ही बसंत पीछे बैठेगा तो वही फ़ोन पकड़ लेगा, ठीक है, तो थोड़ा यार एडजस्ट कर लेना आप लोग, अभी इसका पता नहीं वो कहाँ चला गया यार। हाँ यार ये पड़ा देख रो, इसको भी खाते भाई मैंने। क्या हाल है भाई?
और भाई चले करो बात चले। तो भाई फिर हमने वो उतार दिया है यार, मैं यहाँ पर मतलब जो लगा रखा था ना गोप्रो का सेटअप वो तो यार हटा ही दिया। फिर अब चलते हैं भाई लेके, तो ये वाइजर ग्लास टू कहना देख लो ये वाला, तो भाई इसको पूरा चेंज कराएंगे ठीक है। तो भाई ने वाइजर ग्लास तो ले लिया यार इसका ठीक है। तो भाई ये देखो ये टूट रहा था, तो भाई यहाँ से हमने वाइजर ग्लास ले लिया। तो भाई ये मेरे को पड़ गया है 550 रुपये का। अच्छा यार बसंत ये वाला बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है ना भाई? भाई फिटिंग में हो जाएगा, फिटिंग में। तो भाई अब ये वाइजर ग्लास तो ले लिया है, ये भाई 550 रुपये का ओरिजिनल ग्लास है ठीक है। और एक बबल में भी आता है वो 450 रुपये का, लेकिन वो यार मज़ा नहीं आता उसमें ठीक है, वो थोड़ा लोकल टाइप में आता है। और ये मैंने ओरिजिनल ले लिया आर एस का। तो अब इसको क्या कहते हैं पूरा ब्लैक करवा के सेम ऐसे करवाना भाई अपने लोगों को, बिल्कुल सेम ऐसे ठीक है। तो पता करके आता है भाई कितने पैसे लेगा इसके ब्लैक ब्लैक करने के, और ये करने के कहते हैं नंबर प्लेट लगाने के, प्रिंट करने के कितने पैसे लगा, तो पता करके आते हैं। चले फिर भाई पूरी करोल बार मार्केट में हर चीज़ मिल जाएगी भाई आपको ठीक है। तो बाइक ही खड़ी आने देते हैं कि लेके चले, चल दिखाना होगा मंदिर यार पूरा देख रहे हो, पसीना पसीना हो चुका है भाई। और भाई अभी यहाँ भैया की शॉप पे आया हूँ मैं ठीक है। तो भैया पूरा करके दे रहे हैं मेरे को, तो पूरा वाइजर है ठीक है, तो पूरा सेम भैया आपका मैं मतलब ऐसा करके दे रहे हैं सिर्फ ठीक है। तो भाई करवाते हैं, ये देखो ये पहले की टेप थी, देखो इसको हटा दो भाई, हटा देख रहे हो ये थी भाई पहले की टेप, देख रहे हो ये भाई सर्विस सेंटर वाले ने तोड़ दिया था भाई, भाई ये सर्विस सेंटर वाले तोड़ दिया था। ये हेडलाइट वगैरह भी देखो टूट, देखो ये तो ठीक है पीछे साइड टूट गया, ये ठीक है भाई सर्विस सेंटर ले गया तुम्हारा भाई। देखो ये देख रहे हो ये पूरा सर्विस सेंटर वाले तोड़ दिया था यार, ये सर्विस सेंटर वाले का हाल है भाई। हाँ भाई देखो अच्छा रहते रहते पेज में दिक्कत आ रही, छोड़ ठीक है। तो भाई देखो तो भाई थोड़ा टाइम बाद ना इसका मतलब बहुत सारा काम करवाना है हमें ठीक है। एक जो विंगलर होता है नीचे ना आर एस के भाई, वो विंगलर भी लगवाएंगे। तो भाई धीरे धीरे सारा काम करवाएंगे गाड़ी का, पहले वाइजर का था तो वाइजर पहले मैं करवा रहा हूँ ठीक है। तो बनने का अभी देखो अभी ऐसी है, अब अभी टूट अच्छा लग रहा है ठीक है, और जब पूरा रेडी होगी ना तो आपको दिखाऊंगा लुक से कैसी लग रही है। तो भाई देखो अभी वाइजर बिना अभी ब्लैक लगने जा रहा है ठीक है, टेप भी होने जा रही है। तो अभी टेपिंग तो कर दिया, और भाई जो इसमें लगा हुआ है ना इससे बढ़िया टेपिंग हुई है इस बार, देख रहा हूँ कितना मस्त लग रहा है भाई। इसको लगने के बाद ना इसमें फिर नंबर वंबर लगा जाएगा, भैया खोल दो इसको नंबर प्लेट तो मतलब नंबर तो लगवा लिया, अब तुम्हारा भाई एक कमी रह रही है इसमें हिंदू की है ना, तो भाई इसके बिना मज़ा, इसके बिना तो मज़ा आएगा नहीं भाई नंबर प्लेट में। तो लगाओ भाई पन्नी निकलेगी क्या बाद में? अच्छा तो भाई ये लो थोड़ा सा ठीक है, देख अपने हिसाब से लगा दो भाई आपका रोज का काम ही यार। तो भाई ये चीज़ तो मेन थी यार, तो ये लग चुकी है। भाई अब आ रही बातचीत भाई, अब लग रहा है बिल्कुल मस्त ठीक है। ठीक है ना, भी काम हम करवाना हो ना भैया की शॉप पे आ जाना भैया, एक बार अपना वो दिखा दो कार्ड वार्ड, आपको बढ़िया काम करके देंगे ठीक है। और हाँ और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रेट में देंगे, ये भैया की कार्ड है ठीक है, यस कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो भाई जो भी करोल बाग भैया की शॉप है, जो भी आपको काम हम करवाना हो भाई टेपिंग वेपिंग सब कुछ भैया के यहाँ पर हो जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रेट में आपको होने वाली है ठीक है। तो भाई गाइस तो देख रहे हो आप, तो कुछ इस तरह का लग रहा है हिंदू देख रहे हो, मतलब टूटा था ना बिल्कुल बस्त हो चुका है। और पिछली बार नंबर प्लेट जो वाइट कलर की थी ना थोड़ी ग्रे कलर की हो गई है, वो भाई सबसे मस्त लग रहा है भाई हिंदू देख रहे हो, इसकी तो बात ही अलग है भाई।